इस न्यूज के प्रायोजक हैं ड्रीम क्रिएशन इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, हियर द ड्रीम प्रोजेक्ट्स कम ट्रू। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाली प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने कांग्रेस को चैलेंज दिया है। मंत्री इमरती देवी ने कहा है कि कांग्रेस उपचुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर कांग्रेस पर बयानों के तीर चलाए हैं। मंत्री इमरती देवी का कहना है कि कांग्रेस उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी। इतना ही नहीं, मंत्री इमरती देवी ने सीधे कमलनाथ को चैलेंज दिया है और यह भी कहा है कि पहले कमलनाथ यह बताएं कि उन्होंने किया क्या है। बैठ के कहीं भी बात चल रही हो तो अगर कांग्रेस के लोग कहते हैं हम पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी, तो क्या हम लोग सब सोते रहेंगे? सत्ता सरकार सोती रहेगी और वे पूरी की पूरी सीटें जीत लें? ऐसा उनने करा क्या है कमलनाथ जी ने जिससे वो सीटें जीत सकते हैं? मैं चाहती हूँ एक भी सीट कमलनाथ सरकार नहीं। इमरती देवी ने उपचुनाव से पहले अपनी बेबाकी तो दिखा दी है, लेकिन उपचुनाव में बाजी कौन मारता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।